नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और कल से शुरू होने जा रही है चैत्र नवरात्रि। तो आज हम आपको बताएंगे क्या है चैत्र नवरात्रि, क्या है इसके महत्व और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। नवरात्रि हिंदुओं का पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के प्रति आस्था प्रकट की जाती है। नवरात्रि का अर्थ है नौ रातें। इस दौरान भक्त प्रतिपदा से नौमी तक देवी शक्ति के नौ रूपों की उपासना करते हैं। साल में नवरात्रि चार बार चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ महीने में आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और अश्विन महीने की नवरात्रि प्रमुख है, जिसे पूरे भारत में, खासकर उत्तरी भारत में, भक्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 18 मार्च से शुरू होगी। पूजा की शुरुआत घट पूजन से की जाएगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6:17 से 7:46 तक रहेगा। 18 मार्च से शुरू होने वाली नवरात्रि एक ही दिन अष्टमी और नौमी के होने के कारण 25 मार्च को ही संपन्न होगी। नवरात्रि के पहले से लेकर नौवें दिन तक नौ देवियों की पूजा और अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रों का धार्मिक महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। नवरात्रि का त्योहार प्रतीक है बुराई के अंत का और अच्छाई के जन्म का। नवरात्रि के नौ दिन में किए जाने वाले व्रत और पूजन का हमारे जीवन पर भी बहुत असर पड़ता है। जीवन में आत्म अनुशासन, शुद्धिकरण और संयम बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चैत्र नवरात्रि विक्रम संवत के शुरुआती दिन यानी चैत्र प्रतिपदा से नौमी तक मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन देवी आदिशक्ति ने अवतार लिया और देवी के कहने पर ब्रह्म ने चैत्र प्रतिपदा से सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया, जिसके कारण चैत्र मास शुक्ल की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु की शुरुआत का नवरात्रि में भक्त व्रत रखते हैं, नियम साधना और पूजन करते हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति में संयम और अनुशासन का प्रवाह करता है और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। नवरात्रि के दिनों में भक्त पूरी पवित्रता से माता की आराधना करते हैं, जो कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी है। अगर नवरात्रि के महत्व को ज्योतिषा शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि में ही सूर्य 12 राशियों का भ्रमण का चक्र पूरा करता है और अगला चक्र शुरू करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करता है। मेष राशि अग्नि तत्व की है और सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करना गर्मियों की शुरुआत का सूचक माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत है। जब चैत्र और अश्विन महीने की नवरात्रि की शुरुआत होती है तो ऋतुओं में बदलाव होता है। चैत्र नवरात्रि गर्मियों की शुरुआत के समय और अश्विन नवरात्रि सर्दियों की शुरुआत के समय मनाई जाती है। इन ऋतुओं परिवर्तनों के कारण हमारे गलत खान पान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है और हमारे बीमार होने के ज्यादा अवसर होते हैं। अतः नवरात्रों में रखे जाने वाले व्रत हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। नवरात्रि का पर्व शुरुआत है बदलाव का, आत्मा मन और शरीर के शुद्धिकरण का, बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतों को अपनाने का, जीवन में शांति लाने और तनाव कम करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा है कि नवरात्रि का ये पर्व आपके जीवन में खुशहाली लाए।